नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन मंच पर। तो प्यारे छात्रों, हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे और आज हम ब्लड का पार्ट टू पढ़ेंगे और यहाँ से जो संभावित अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स हैं हम उनको देख लेते हैं। एक वर्ड आप देख पा रहे हो, रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन हम इसे कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। रक्त स्कंदन ये क्या होता है? चोट लगने पर 2 से 3 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है और थक्का बनने की यह विधि, यह प्रोसेस ही कहलाती है ब्लड कोएगुलेशन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस को कहते हैं रक्त स्कंदन या ब्लड कोएगुलेशन। उसके बाद देखिए दूसरा वर्ड है रक्त स्कंदक। देखो हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब वो चोट लगने इसके बाद में बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो वातावरण के संपर्क में आने पर वो वहां पर ऐसा कुछ बना लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं जो क्लॉट बन जाता है, जिसका कारण क्लॉट होता है। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे खून में पाए जाने वाले ऐसे कुछ कारक, ऐसे कुछ पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें कहते हैं रक्त स्कंदक, स्कंदक। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने वाले अर्थात रक्त स्कंदन करने वाले पदार्थ को रक्त स्कंदक कहते हैं। एग्जाम्पल कि आपके ब्लड में थ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन होती है। थ्रोम्बिन के साथ साथ ध्यान रखना प्रोथ्रोम्बिन, ये भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। नाम में क्या है? थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन प्रोटीन हो या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो, और एक आपका विटामिन के भी ब्लड में होता है जो थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, और फाइब्रिनोजन भी प्रोटीन होती है एक, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये भी प्रोटीन है। और आपके ब्लड में कैल्शियम आयन होता है जो थक्का बनाने में हेल्प करता है, और ब्लड प्लेटलेट्स भी हैं जो थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। तो आपने देखा कि वे पदार्थ जो ब्लड में रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको कहते हैं रक्त स्कंदक, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लड कोएगुलेंट्स, ब्लड कोएगुलेंट्स। ठीक है जी, तो आप क्या समझे कि चोट लगने पर दो से तीन मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, और रक्त का थक्का बनाने वाले वो पदार्थ जो रक्त में पाए जाते हैं उनको रक्त स्कंदक अर्थात ब्लड कोएगुलेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, आपके थ्रोम्बिन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ब्लड प्लेटलेट्स, कैल्शियम आयन, ये आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड है रक्त प्रतिस्कंदन। आपने पढ़ा रक्त स्कंदन, दूसरा वर्ड है रक्त प्रतिस्कंदन, इसे कहेंगे ब्लड एंटी कोएगुलेंट्स, सॉरी कोएगुलेशन, कोएगुलेशन ये कहेंगे इसको। देखिए अगर रक्त का थक्का बन रहा है तो रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो ब्लड कोएगुलेशन, रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो रक्त प्रतिस्कंदन। तो प्रति लग गया मतलब उल्टा काम हो रहा है, थक्का अब नहीं बन रहा है, ब्लड एंटी कोएगुलेशन। देखिए हमारे ब्लड वेसल्स में रक्त की नलिकाओं के अंदर थक्का नहीं बनता है, अगर बन जाए तो क्या होगा, हमारे नसें ब्लॉक हो जाएंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स में रक्त की नलिकाओं के अंदर अगर थक्का बन जाए बाय चांस तो हमारी बॉडी में सिस्टम ऐसा होता है वो उसको खोल देता है। हमारे ब्लड वेसल्स में ऐसा क्या है जो थक्का ना बनने दे रहा, या फिर ये भी कह लो हमारे ब्लड वेसल्स में ऐसा क्या है जो थक्का अगर बन भी जाए छोटा मोटा उसको घोल देता है, डिजोल्व कर देता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस प्रोटीन का नाम क्या है, वो एक प्रोटीन होती है उसका नाम है हिपेरिन प्रोटीन। तो आप यहां से ये समझना है कि ब्लड वेसल्स के अंदर, रक्त की नलिकाओं के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जो थक्का बनने से रोकता है, और उसे कहेंगे थक्का बनने से रोकना। थक्का बन रहा था तो रक्त स्कंदन, अब थक्का बनने से रोकना रक्त प्रतिस्कंदन, और उसे कहेंगे रक्त प्रतिस्कंदन से बनेगा रक्त प्रतिस्कंदक। देखिए तो चोट लगने पर थक्का ना बनना रक्त प्रतिस्कंदन होता है। अब रक्त प्रतिस्कंदक कौन से होते हैं, यानी कि ब्लड एंटी कोएगुलेंट, ये कौन से होते हैं, मैंने बताया कि थक्का ना बनाने वाले पदार्थ, मतलब ना बनने देने वाले पदार्थ, थक्का ना बनने देने वाले पदार्थ होते हैं ये। एग्जाम्पल हिपेरिन प्रोटीन, मैंने बताया रक्त की नलिकाओं में पाया जाता है, तो प्रेजेंट या कि फाउंड इन ब्लड वेसल्स,
फाउंड इन ब्लड वेसल्स, रक्त की नलिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो तुमसे पूछेगा कि हिपेरिन, देखो ये प्रश्न पूछा था कि हिपेरिन क्या है, वो ऑप्शन में क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट, प्रोटीन, आंसर क्या उसका, प्रोटीन आंसर है। हिपेरिन क्या है, एक प्रोटीन होती है। ओके जी चलिए, तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा पहले रक्त स्कंदन, थक्का बनने की प्रोसेस कहलाती है, फिर आप अभी आपने देखा रक्त प्रतिस्कंदन, थक्का ना बनने देने की प्रोसेस होती है, आपने पढ़ा रक्त स्कंदक, थक्का बनाने वाले पदार्थ, फिर पढ़ा आपने रक्त प्रतिस्कंदक, थक्का ना बनने देने वाले पदार्थ, आपने चार नाम देखे ठीक है। तो ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लोटिंग होने की प्रोसेस, ब्लड एंटी कोगुलेशन, ब्लड क्लोटिंग ना होने देने की प्रोसेस, ब्लड कोगुलेंट्स, ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार कुछ मटेरियल, ब्लड एंटीकोगुलेंट्स, ब्लड क्लोटिंग ना होने के लिए जिम्मेदार कुछ मटेरियल, ये आपके सामने है ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे काम इसका है हिपेरिन का, जैसे काम इसका है थक्का ना बनने देना, वो अलग बात है ब्लड वेसल्स के अंदर थक्का नहीं बनने देना। दूसरा, ऐसे हिरुडिन नाम की ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, हिरुडिन नाम की प्रोटीन जो जोंक की लार में पाई जाती है, जोंक यानी लीच, क्या बोल इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको लीच कहते हैं, लीच, हिरुडिन नाम की प्रोटीन जोंक की लार में पाई जाती है, और जोंक हम सबने देखा है कि पानी के अंदर पाई जाती है, जब कोई जानवर पानी के अंदर जाता है तो वो जानवर की चिपक जाती है, और चिपकने के बाद क्या करती है, वहां कटवारती है, कटवार के लगातार फूल चूसती रहती है। देखिए अकॉर्डिंग टू ये आपके ब्लड कोगुलेंट्स, वहां थक्का बन जाना चाहिए था 2 से 3 मिनट में, लेकिन जो क्या करती है अपने लगातार लार डालती है, लार, और लार में हिरुडिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो लगातार उस घाव पे, उस कट पे डलती रहती है, और वो जो घाव पे डलने से क्या होता है, वहां जो थक्का बन रहा था वो थक्का बनने नहीं देगी। तो काम क्या है इस प्रोटीन का, थक्का बनने से रोकना, जिससे जो को लगातार ब्लड चूसने को मिलता रहे। देखिए हिपेरिन और हिरुडिन ये दोनों प्रोटीन है, दोनों काम सेम है, थक्का ना बनने देना। तो ये वास्तव में क्या होती है, प्राकृतिक होती है, ये प्राकृतिक है, नेचुरली है, इनकी प्रकृति ने दिया है, एक तो एक लार में है तो दूसरा ब्लड वेसल्स में है ठीक है। और इसके बाद देखिए एक वर्ड आ रहा है आपके सामने, ये तो प्राकृतिक हो गई, अब देखो कुछ कुछ है कृत्रिम रक्त प्रतिस्कंदक, वो कौन कौन से हैं, काउमेरिन, वारफेरिन, सोडियम ऑक्सलेट, EDTA, इसका पूरा नाम क्या है, एथिलीन डायमिन टेट्रा एसिटेट, काउमेरिन, नो काउमेरिन, सेम हिंदी में सेम इसका वारफेरिन ठीक, ये आपको कौन सा है सोडियम ऑक्सलेट EDTA, एथिलीन डायमिन टेट्रा एसीटेट ठीक है। अब देखो हिपेरिन हिरुडिन तो क्या है, प्राकृतिक है जो थक्का बनने से रोकती है, लेकिन ये लैब में बनाए गए हैं ऐसे पदार्थ हैं जो थक्का बनने नहीं देते हैं। जो ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड बैंक अपन लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं, जो ब्लड बैंक होता है तो ब्लड बैंक में हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया, तो उस ब्लड बैंक जो डोनेट किया है उसमें थक्का ना बने, वो 10-15-20-25-30-40 दिन सेफ रहे। इसलिए जो ब्लड की जो थैली होती है जिसमें अपन ब्लड डालते हैं, उस थैली में पहले से ही ये वाले पदार्थ डाल देते हैं। उससे क्या होता है, इन पदार्थों को डालने से वो जो खून हमने डाला उसमें ब्लड डाला पन्नी में पॉलिथीन में उस थैले में, वो ब्लड उसमें क्लोट नहीं बनाता है, जमता नहीं है, ये काम है। तो वास्तव में हम ये नहीं डालते, ये तो प्रकृति के बॉडी के अंदर है, ये जोंक की, ये जोंक की लार में है, ये आपकी ब्लड वेसल्स में है, इनको डालते हैं। तो काउमेरिन, वारफेरिन, सोडियम ऑक्सलेट, EDTA, इनका यूज करते हैं ब्लड बैंक में, ब्लड में थक्का ना बनने के लिए। अब देखिए आगे, ब्लड बैंक में ब्लड को लगभग 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 42 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है उसको 4 से 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं उसको, जिससे वो खराब ना हो, और लगभग 40-42 दिन के आसपास वो सेफ रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यूज कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद में ब्लड बैंक में रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग से बनने से रोकने के लिए कृत्रिम रक्त प्रतिस्कंदक मिलाए जाते हैं, कौन कौन से अभी बताया था, कौन कौन से, वारफेरिन, काउमेरिन, सोडियम ऑक्सलेट और EDTA, ये डाले जाते हैं। अब बात आती है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है। देखिए
पुरुष में 14 से 16 ग्राम होता है 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा, महिला में थोड़ी सी कम होती है, उसकी मात्रा 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड होती है। अब देखिए आपके ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी होती है और साथ साथ में ब्लड में प्लेटलेट्स भी होती है। ये सारी ब्लड की सेल्स होती है, अर्थात मैं कह सकता हूं ये रक्त है, रक्त के पार्ट है और ये रक्त के क्या है, ये रक्त की कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा कि रक्त की कोशिकाओं को मापी, अर्थात ये भी कह लो हीमोग्लोबिन की मात्रा का मापी का नाम क्या है, उसका नाम हेमेटोसाइटोमीटर। इसको देखो कैसे रक्त को कहते हैं, हिमेट बोलते हैं साइंस की भाषा में कोशिका, भाई ब्लड को क्या बोलते हैं, हिमेट बोलते हैं, कोशिका सेल को कहते हैं साइट, साइट बोलते हैं, और मापी मेजर मतलब मापी माने मापने वाला, मापी माने मापने वाला को बोलते हैं मीटर, बोलते हैं मीटर, मापने वाले को मीटर बोलते हैं। ठीक है जी, अब देखिए, अब ये कह रहा है, इसने अभी क्या बोला, इसने बोला रक्त की कोशिकाओं का, रक्त की कोशिकाओं का मापी, रक्त होता है हिमेट, रक्त क्या होता है हिमेट, कोशिकाओं साइट, हिमेटो साइट, कोशिकाओं का मापी साइट प्लस मीटर, साइटोमीटर ले लीजिए। इसमें तीन नाम है, हिमेट माने ब्लड, साइट माने सेल, मीटर माने मापी, तो रक्त की कोशिकाओं का कौन सा होता है, हिमेटोसाइटोमीटर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, और देखो अगर ब्लड आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो या अधिकता हो, दोनों ही समस्या है, तो तुमसे बोलेगा कि ब्लड की कमी को क्या कहेंगे, तो एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड एनीमिया, और एक्सेस ऑफ ब्लड ज्यादा, जो अगर कमी है, अगर एक्सेस है एक्सेस में है तो सिडरोसिस, कमी क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी, और कमी है तो एनीमिया, तो ये आपका सिडरोसिस। पूछ सकता है कि क्या होता है सिडरोसिस, तो ब्लड की अधिकता, ब्लड एक्सेस में है तो उसे कहते हैं सिडरोसिस, क्या है कमी एनीमिया, तो एनीमिया कई टाइप का होता है, वो अपन आगे चर्चा कर लेंगे। एरिथ्रो, अगर साइंस में आ जाए एरिथ्रो, उसका मतलब होता है लाल यानी कि रेड, अगर साइंस में मिल जाए देखने का, ल्यूको उसे बोलते हैं सफेद यानी कि वाइट, और अगर आपको दिख जाए साइंस में थ्रोम्ब, थ्रोम्बिस होता है थक्का यानी क्लोट, क्लोट साइट सेल का मैंने बता रखा है आपको, इरा साइट आपका सेल का है। ठीक है, अब आप देखोगे आगे चल के, ये नाम ध्यान कर लो, नेक्स्ट देखो एक वर्ड आ रहा है पीनिया, पीनिया माने क्या होती है, कमी होती है, कमी पीनिया है, पीनिया सिस, सिस माने क्या होती है, अधिकता होती है, एक्सेस अधिकता की कमी। अब देखिए एरिथ्रो माने लाल, सेट माने कोशिका, अर्थात ब्लड की लाल कोशिका, ब्लड की लाल कोशिका आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ओके, उसके बाद में देखो ल्यूकोसाइट, ल्यूको माने सफेद, श्वेत, ल्यूको मींस श्वेत और साइट मींस कोशिका, अर्थात ब्लड की सफेद कोशिका जिसे अपन कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम माने क्या है, थक्का बनाने वाले
और साइट माने क्या है, कोशिका, अर्थात ऐसी कोशिकाएं ब्लड की जो थक्का बनाती हैं, अर्थात थक्का बनाने वाली कोशिका, जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब दो पॉइंट देख लीजिए, एक ये और एक ये, कि ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है ऑन हाइट या एट हाइट। हम जब ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, सुन लो कैसे होती है, लाइन तो समझ ली। आरबीसी का काम होता है O2 CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। जब तो आप यहां पर हो तो हमारी बॉडी में करीब लमसम 50-55 लाख आरबीसी होती है प्रति 1 mm³ ब्लड में। ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर O2 गैस की मात्रा कम हो जाती है, कहते हैं वायुदाब की कमी होती है, एयर प्रेशर कम होता है, वहां पर O2 की मात्रा कम है, यहां ठीक ठाक है। ऊपर जब जाते हो तो O2 की मात्रा हमें कम मिलती है, तो आरबीसी ये बोलती है कि जितना O2 मिल रहा है फटाफट से उसको लेके आओ, और 50-55 लाख जो आरबीसी होती है वो इसको पूरा नहीं कर पाती है, तो खुद बोलती है एक काम करते हैं हम लोग अपनी संख्या में ग्रोथ कर लेते हैं, जैसे ग्रोथ करेंगे तो हम ब्लड को तेज स्पीड से बॉडी में आराम से पहुंचा सकते हैं और CO2 को ला भी सकते हैं, O2 को पहुंचा सकते हैं, ऐसा होता है ऊंचाई पे। तो ऊंचाई पे जब जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान भी आरबीसी की संख्या में बड़ी वृद्धि होती है। वो कैसे, एक माँ होती है बगैर बच्चे के, अगर पेट में बच्चा नहीं है तो माँ की बॉडी एक ही है, दो नहीं है, लेकिन जैसे माँ की बॉडी में बच्चा आता है तो उस बच्चे को भी भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदारी माँ की होती है, तो माँ की आरबीसी ही है एक प्रकार से जो उस बच्चे का भरण पोषण स्टार्टिंग में करती है। तो जो आरबीसी पहले केवल एक बॉडी का बॉडी को पहुंचा रही थी, अब वो दो को पहुंचाएंगी, इस कारण से प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसमें आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो आरबीसी इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये आपका आरबीसी इंक्रीज ऑन हाइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे ब्लड से लेके, फिर मैं कल आपके सामने दूसरा एक पार्ट, जो पार्ट 3 होगा उसको लेके आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.